हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं एक इंकजेट विजिटिंग कार्ड। ये एक विजिटिंग कार्ड है जो कुछ ही देर पहले मैंने एक इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट किया था। प्रिंटर का मॉडल नंबर है L3150। आप चाहें तो कोई भी दूसरा इंकजेट प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं और मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप पाउडर शीट का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक इंकजेट प्रिंटर के अंदर फ्रंट एंड बैक कार्ड्स प्रिंट कर सकते हो विजिटिंग कार्ड के बहुत ही आसानी से, और कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपना साइड बिजनेस डेवलप कर सकते हो और इस पैंडेमिक कोरोना वायरस के दौरान भी थोड़ा एक्स्ट्रा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, अगर आपके पास एक इंकजेट प्रिंटर हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रिंट क्वालिटी शानदार आई है, ग्लॉसीनेस अलग ही लेवल की है और एकदम डायमंड फिनिश कहते हैं हम लोग इसको, जो शाइनिंग आप देख रहे हैं इसके ऊपर, इसे डायमंड फिनिश कहा जाती है। और ये इस वक्त हमने यूज़ की है पाउडर शीट और ये यूज़ होने के बाद में इसके ऊपर एकदम डायमंड फिनिश का प्रिंट क्वालिटी आ रहा है। अगर आप भी ऐसा ही बिजनेस अपने खुद डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विजिटिंग कार्ड्स को इस सेटिंग के अंदर बनाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये सेटिंग कैसे बनाना है, बहुत मुश्किल है, तो टेंशन मत लीजिए। मैंने यहाँ पे दो टेम्पलेट फाइल्स बना दी है, फ्रंट के लिए अलग और बैक के लिए अलग, और यहाँ पे मैंने एक ट्यूटोरियल फाइल दे दी है, एक सैम्पल डिज़ाइन बना दिया है और बता दिया है विथ MM साइजेस के साथ कि आपको किस तरह विजिटिंग कार्ड सेट करना है। तो डिजाइनिंग पेज सेटिंग की टेंशन मत लीजिए, वो मैंने काम आपके लिए पहले ही कर दिया है। आपको बस एक काम करना है, आपको खुद अपना डिजाइन बनाना है और उस टेम्पलेट के अंदर बस कॉपी पेस्ट कर देना है। करने के बाद आपको आपका लैपटॉप से प्रिंट ऑप्शन सेंड करना है और सेंड करते ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक बटन रहेगा, प्रॉपर्टीज बटन को दबाइएगा। ज्यादातर जैसे आप प्रॉपर्टीज बटन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ A4 सिलेक्ट होगा। यहाँ A4 ना सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड, यहाँ एक ऑप्शन है यूजर डिफाइंड, इसे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए पाउडर शीट 208 into 303। आपको इस तरह से ये प्रिंट करना है। फिर आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ वापस 208 डालना है, फिर उसके नीचे आना है और यहाँ पे 303 टाइप करना है। यहाँ आपको MM सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ आपको सेव बटन दबाना है। सेव करते ही जो आपने यहाँ पे टाइप किया है वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर आप ओके कर दीजिए। फिर अभी आपने जो नया साइज का पेपर बनाया है, डॉक्यूमेंट, एक नया तरह का डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका नाम है पाउडर शीट 208 into 303। उसके बाद आप पेपर टाइप पे आएंगे, उसे मैटे सेलेक्ट करेंगे, हाई क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे और ये सब सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। और ये स्टेप लेने के बाद यहाँ पे आप एक्चुअल साइज वाले बटन को वापस एक बार कंफर्म क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप छोड़ दीजिए प्रिंट। जैसे ही आप प्रिंट छोड़ेंगे, आपका चाहे कोई भी प्रिंटर हो, एप्सन का, कैनन का, चाहे वो एप्सन का आप ले लीजिए 1110 या फिर L3110 या फिर L3150, L3156 या फिर आप यूज़ कर लीजिए L805, L800, L810 या फिर L850। अगर आप कैनन के यूज़र हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कैनन का 2010 या फिर कैनन का आप 3010, कैनन 4010, 6010 और 7010 में भी आप इसे कर सकते हैं। HP का अगर आपके पास कोई इंक टैंक प्रिंटर है तो आई थिंक उसके अंदर भी ये काम करना चाहिए। ब्रदर के प्रिंटर्स के अंदर भी ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस होना चाहिए इंक जेट और इसके अंदर आपको डालनी है नॉर्मल इंक, किसी तरह की कोई भी स्पेशल इंक आपको इसके अंदर नहीं यूज करनी है, नॉर्मल इंक यूज करनी है। आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, आपका काम चलता रहेगा। तो ये जो पाउडर शीट इस वक्त हमने यूज की है, ये जो पाउडर शीट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पाउडर शीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, ये डबल साइड प्रिंटिंग कर सकता है और दोनों ही तरफ इसके ऊपर डायमंड फिनिश होती है। तो अब आप सोच रहे होगे ये फिनिशिंग तो डायमंड की देता है, डबल साइड प्रिंट होता है इंकजेट में,
तो इसे बार बार पाउडर शीट क्यों कहा जाता है? पाउडर शीट आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसका जो पार्ट टू मैं बनाऊंगा इस वीडियो का, उसके अंदर इस शीट को पाउडर शीट क्यों कहते हैं आपको वो चीज तब समझ में आ जाएगी। और अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा विजिटिंग कार्ड प्रिंट होते जा रहा है। ये जो शीट है इसकी GSM है 260 GSM, डबल साइड पाउडर कोटेड डायमंड फिनिश शीट है ये। तो कुछ ही देर में ये प्रिंट हो जाएगा, तब तक मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमने जब प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया था, प्रॉपर्टीज में हम गए थे और हमने ये 208x303 डाला था। वो इसीलिए डाला था क्योंकि ये जो हमारी पाउडर शीट है ये एग्जैक्टली A4 साइज की नहीं होती, ये A4 साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है। और यही जो साइज की डिफरेंस है, सेटिंग है, वो हमने यहाँ डॉक्यूमेंट साइज में जाके चेंज कर दिया था। और अब आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये सेटिंग सेव हो गई है। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आप प्रिंट करें हमारी पाउडर शीट, तो आप यहाँ पे पाउडर सेलेक्ट करें। अगर आप नॉर्मल फोटो पेपर यूज कर रहे हैं तो वापस यहाँ पे A4 कर दीजिए, आपका प्रिंटर ऑटोमेटिक कॉन्फिगर हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी प्रिंटिंग की सेटिंग। अगर अब आप सोच रहे हैं कि यार वो डिज़ाइन की सेटिंग कैसे करनी है, फ्रंट एंड बैक की सेटिंग कैसे करें, उसके अंदर तो थोड़ा दिक्कत का काम है, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए, मैंने उसका भी आपको जुगाड़ यहाँ पे बना के दे दिया है। तो सबसे पहले आपको जो विजिटिंग कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड आपको खुद डिज़ाइन करना है, आपको खुद विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, हमारे पास विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन नहीं होता। विजिटिंग कार्ड जो आपको डिज़ाइन करना है वो है 90x52 mm के अंदर। और आपको जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आजू बाजू में विजिटिंग कार्ड के अंदर 2 mm का इस तरह से आपको दो से मतलब थोड़ा एक मार्जिन देना होता है, वाइट स्पेस देना रहता है, गैप देना रहता है, ताकि जब कटिंग हो, प्रिंटिंग हो, अलाइनमेंट हो, रिवर्स सेटिंग हो, तो उन सब में ये अलाइनमेंट आपको काम आता है और डिज़ाइन को अच्छा लुक देता है। और जो अंदर का आप कंटेंट डिज़ाइन करने वाले हैं उसका साइज रहना चाहिए 82x44 mm। और जब आपका जो ये मेन कंटेंट है और ये जो बाकी का एक्स्ट्रा वाइट स्पेस मार्जिन हमने दिया है, उन दोनों के बीच में फुल ट्रिंट रखना चाहिए, यानी आपका जो मेन डिज़ाइन का जो भी बैकग्राउंड है वो बाहर तक एक्सटेंड होना चाहिए, और जो भी डिज़ाइन का अंदर का सामान है, कंटेंट है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वो इसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सेटिंग करेंगे तो आपका फ्रंट एंड बैक का काम परफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ये फाइल मुझसे ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाके आप ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डमी फाइल भी बना दी है। यहाँ पे ये डमी फाइल है, ये डमी फाइल के अंदर आप चाहें तो खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये फ्रंट इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है, जो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको इससे पहले बताए थे उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ये इसका फ्रंट एंड बैक हमने डिज़ाइन किया है। तो बैक साइड में हमने फुल कलर डाल दिया है और फ्रंट साइड में हमने हमारी कंपनी का नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह इस तरह से सेट कर दिया। तो आपको ये फाइल हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे जब आप हमसे ये पाउडर शीट खरीदेंगे, या फिर अगर आप खुद इसे टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको एक बार डाउनलोड करके यूज़ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फाइल है मैंने PDF के अंदर दी है, और ये PDF आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे फोटोशॉप हो, कॉरल ड्रॉ हो, उसके अंदर आप इंपोर्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इतनी देर के अंदर हमारा ये जो डिज़ाइन है ये प्रिंट हो गया है। तो अब देखते हैं कि इसका बैक साइड कैसे प्रिंट करना है। इस वक्त हमारी ये जो पाउडर शीट है ये डायमंड फिनिश के अंदर पूरी तरह से प्रिंट हो गई है। फ्रंट साइड यहाँ पे कुछ शीट्स है, और जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर से ये जो पेपर है इस तरह से बाहर आता है, राइट? इस तरह से पेपर बाहर आता है, प्रिंटर से पेपर इस तरह से बाहर आता है। अब आपको इसका बैक साइड प्रिंट करना है। बैक साइड कैसे प्रिंट करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये शीट लेना है, इसको ऐसे लीजिए, इस तरह से उल्टा पलटा दीजिए, ओके? इस तरह से उल्टा पलटाने के बाद में बस ये शीट इस तरह से आई, आपने इसको इस तरह से उल्टा पलटाया और प्रिंटर के अंदर लोड कर दिया। प्रिंटर के अंदर आपने लोड किया, पेपर को अच्छी तरह से सेट किया, और ये जो मार्किंग है लेफ्ट और राइट साइड में, इसको थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, बस छोटा सा, एक बार थोड़ा सा ऐसा टच करेंगे 1 mm गैप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 1 mm गैप मैं आपको क्यों कह रहा हूँ,
ये 1 mm गैप मैं आपको इसके लिए कह रहा हूँ ताकि पेपर को जो है आसानी से, जो पिकअप रबर होता है, अंदर से आसानी से खींच सके। अगर आप मान लीजिए इसको पूरा इस तरह से दबा देंगे ना तो वो पेपर जाम हो जाएगा अंदर, पेपर चिपक जाएगा एक दूसरे से। और इसके लिए हमें इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो 1 mm का गैप आ जाएगा और प्रिंटर आसानी से इसे लोड ले लेगा। अब हो गई प्रिंटर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट, पेपर है तैयार, इंक है तैयार, अब क्या आपकी फाइल है तैयार? तो यहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट का शॉर्टकट है। फिर अब मैंने अपना यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ पे मेरी पाउडर शीट पहले से सेलेक्टेड है। फिर यहाँ पे मैं आऊँगा एप्सन मैटे करके हाई क्वालिटी करके ओके कर दूंगा और यहाँ पे एक्चुअल साइज के बटन के ऊपर कन्फर्म कर दूंगा। इस तरह से मेरा बैक साइड का शीट भी तैयार है और अब मैं करने जा रहा हूँ प्रिंट। जैसे ही मैंने प्रिंट का बटन छोड़ा, ये प्रिंटर का क्यू ओपन किया, यहाँ प्रिंटर जा रहा है, यहाँ आपको मेरी फाइल भी दिख रही है 208x303 की और ये बैक साइड यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो अब देखते हैं प्रिंटिंग कैसे हो रही है। ये हमारी पाउडर शीट है जिसे हमने लोड किया है, ये हमारा प्रिंटर है एप्सन का मॉडल नंबर L3150 और अब हो गया ये प्रिंटिंग स्टार्ट। अब प्रिंट होने में लगेंगे 2 मिनट, तब तक मैं आपको मुद्दे की बात और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एप्सन का L3150 यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी दूसरा प्रिंटर यूज कर सकते हो, जैसे कि एप्सन का L130, L3110, L3110, 3111 या फिर L3156, L3151 या फिर आप यूज कर सकते हैं कोई दूसरा मॉडल जैसे L14150, L15150। इस तरह से आप एप्सन का कौन सा भी मॉडल यूज कर सकते हो। अगर मान लो आप कैनन का प्रिंटर यूज कर रहे हो तो कैनन का प्रिंटर भी अगर आप यूज कर रहे हो तो कैनन का आप G2010 यूज कर सकते हो, G3010, G4010 या फिर 6010 भी यूज कर सकते हो। और इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में अभी 7010 भी आने वाला है कैनन का, तो वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। HP के जो बड़े मॉडल्स हैं, हाई एंड थोड़े मॉडल्स हैं 15,000 के आसपास के, उन सब में भी ये चलेगा। मैंने HP के सारे मॉडल्स में अभी इसको टेस्ट नहीं किया है। तो ये हो रही है इस वक्त इसकी बैक साइड की शीट प्रिंट। फ्रंट साइड की हमने आपको पहले ही करके दिखा दी थी और इसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से आती है। बट विजिटिंग कार्ड बनाना, इस वक्त जो हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं इसे हम एक बड़ी शीट में प्रिंट कर रहे हैं, बट हमें तो अपने विजिटिंग कार्ड को इस तरह से कट करना है। तो कटिंग के लिए आप कैसे करेंगे इसको? आप कट करने के लिए कई सारे तरीके यूज कर सकते हो। पहला तरीका हो गया, आप चाहो तो सीजर्स यूज कर सकते हो या फिर ब्लेड यूज कर सकते हो, पर वो यूज करने पे आपको इतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए अपनी कटिंग के अंदर जो कि ब्लेड या फिर सीजर से नहीं आ सकती, तो आपको यूज करना पड़ेगा रोटरी कटर। ये एक रोटरी कटर है, इसके बारे में भी मैं कई डिटेल वीडियोस बना चुका हूं। और इसके अंदर जो होती है एक साइड में ब्लेड होती है, राउंड ब्लेड होती है जिससे विजिटिंग कार्ड कटा जा सकता है। और ये हो गए हमारे A4 साइज, FS साइज और A3 साइज के पेपर कटर, इनसे भी आप विजिटिंग कार्ड कट कर सकते हो, पर उतनी फिनिशिंग नहीं आती जितनी रोटरी कटर के अंदर आती है। रोटरी कटर के अंदर 2 साइज है, 14 इंच और 25 इंच। एक बार हमारी बैक साइड की शीट प्रिंट हो जाए तो मैं आपको उन्हें, तो इस तरह से हमारी जो बैक साइड वाली शीट, बैक साइड का जो प्रिंट है वो इस वक्त प्रिंट हो रहा है। फ्रंट साइड में हमारा मेन फ्रंट पेज था, बैक साइड में हमारा बैक पेज है। तो एक मिनट वेट करके देखते हैं कि किस तरह से पूरा प्रिंट बाहर आता है। तो अब जो हमारा ये पाउडर शीट है, पाउडर शीट में अब हमारा फ्रंट एंड बैक विजिटिंग कार्ड तैयार है, फ्रंट एंड बैक विजिटिंग कार्ड बन गया है। और अब हम देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारा फ्रंट एंड बैक रजिस्ट्रेशन हुआ है, फ्रंट एंड बैक प्रिंट कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। तो अब आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक कटिंग मार्क है और यहाँ पे पीछे का कटिंग मार्क है और यहाँ पे फ्रंट साइड का कटिंग मार्क है। और अब आप देखिए कि कितना अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको जो पीछे का कटिंग मार्क है और जो आगे का कटिंग मार्क है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठा है। यहाँ पे जब मैं इसे रोशनी के ऊपर डाल रहा हूँ तो आगे पीछे पूरी कहानी दिख रही है ना, आगे की और पीछे की। देखिए
ये फ्रंट साइड दिख रहा है, जैसे लाइट के ऊपर आते हैं फ्रंट और बैक दोनों दिखता है, और यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर की फ्रंट की लाइन दिख रही है और हल्की ग्रे कलर की बैक साइड की लाइन दिख रही है, तो एकदम परफेक्ट रजिस्ट्रेशन आया है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, जिस दिन आप ये शीट खरीद के प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे पहले दिन से आपको ऐसा परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा वेस्टेज भी सहन करना पड़ेगा, तो आपको क्या है ऐसे परफेक्ट रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी लाइट के ऊपर ऐसे डाल के देखेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई मेरा जो प्रिंट है फ्रंट एंड बैक का एकदम परफेक्ट आया है। तो अब आपने ये प्रिंटिंग का जो फॉर्मेट है वो सेट करना सीख लिया, PDF की जो फाइल होती है उसके अंदर पेज साइज सेट करना सीख लिया है, और आपने प्रिंटर के अंदर इसको फ्रंट एंड बैक करना सीख लिया है। बट एक चीज जो आपने नहीं सीखी है वो है इस शीट के ऊपर पाउडर डालना। इस शीट का नाम पाउडर शीट इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर पाउडर डाला जाता है, और इस शीट के ऊपर पाउडर डालने से क्या फायदा है क्या नुकसान है और इस शीट को वाटरप्रूफ कैसे बना दिया जाता है सिंपली एक पाउडर डालने से, वो आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दिख जाएगा। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसे एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि शीट के ऊपर पाउडर किस तरह से डालना है, शीट को वाटरप्रूफ कैसे करना है और शीट की कटिंग तरीके से कटिंग कैसे करनी है, आपको ये पार्ट 2 में मिल जाएगा।